दोस्तों, डूबता हुआ मालदीव चीन में तिनके का सहारा ढूंढ रहा है, लेकिन दोस्तों वो चीन आप स्वयं देख लीजिए, खुद डूबता चला जा रहा है। चीन में आज से 30-40 साल पहले वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई, और गौर फरमाइए आप, इस नीति का आइडिया मिसाइल साइंटिस्ट ने दिया था कि साहब पॉपुलेशन को कम कीजिए, अगर हम जानवरों के डॉक्टर से अपना इलाज करवाने लगे तो गलती डॉक्टर की नहीं है, हमारी है। यही गलती चीन ने करी, उनकी पॉपुलेशन अब गिरती चली जा रही है। दोस्तों आप स्वयं देख लीजिए, चीन में बच्चे कम हैं, परिणाम स्वरूप टीचर बेरोजगार हो रहे हैं। एक दो नहीं, 19 लाख टीचर बेरोजगार हो गए हैं, पढ़ाने के लिए बच्चे स्कूल में नहीं। ये दुर्दशा चीन की हो रही है, चीन बूढ़ा होता चला जा रहा है, बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है। परिणाम स्वरूप चीन में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो पर है। देखिए, देश का विनाश बाद में होता है, पहले कॉन्फिडेंस का सत्यानाश होता है। देश आत्मविश्वास विहीन हो चुका है, कारण यह है कि बूढ़े लोगों की आबादी बहुत बहुत तेज रफ्तार से चीन में बढ़ती चली जा रही है। परंतु जबकि ये बूढ़ा चीन अपने बल पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसका कंधा, बूढ़े चीन का कंधा ले रहा है मालदीव, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि IMF मालदीव को चेता रहा है कि भाई साहब, चीन अकेला नहीं डूबेगा, आपको साथ में लेकर जाएगा, धसेगा नीचे। चीन की यह दुर्गति हो रही है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल रही है। चीन में निवेशकों ने जो पैसा डाला था अब वो निकाल रहे हैं, मतलब इस पैसे के भारत में आने की जो रफ्तार है वो और तेज होगी। भारतीय शेयर मार्केट में हर गिरावट खरीदारी का मौका है। दोस्तों अभी जो गिरावट आई है उसको मौके की तरह देखिए, चीन की बर्बादी से आपकी आबादी का रास्ता खुलता है। तो अपने किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए सबसे पहले डीमैट अकाउंट तो खुलवा लीजिए श्रीमान। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अब स्टॉक्स फ्री डीमैट अकाउंट अभी के अभी खुलवा लीजिएगा।